नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होना है, मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होगा, बड़े प्लेयर का क्या पोजीशन हो गया है, एफआईआई हमारे एचएनआई प्रो और क्लाइंट्स ने क्या पोजीशन बना के गए हैं, मार्केट कहाँ एक्सपेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डेटा के ऊपर कि डेटा यहाँ पे क्या बना है और मार्केट को हमें कैसे ट्रेड करना है कल एक्सपायरी के दिन, आप कैसे अपना प्रॉफिटेबल को 2x 3x कैसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डेटा में जाने की कोशिश करेंगे कि हमारे फ्यूचर में क्या पोजीशन बना है, इसके बाद ऑप्शन में क्या पोजीशन बनाया गया है हमारे चारों प्लेयर का। तो अगर बात करें अगर 5 तारीख का यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स का, क्लाइंट ने 3000 क्वांटिटी लॉन्ग को क्लोज करके 1300 क्वांटिटी शॉर्ट इनिशिएट कर दिया, यानी 71000 से इनका 75000 शॉर्ट हो गया है, यानी यहाँ पे जबरदस्त ये यहाँ पे बियरिश हैं दोस्तों हमारे क्लाइंट्स। कल के लिए भी इन्होंने फ्रेश पोजीशन बनाई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एफआईआई ने क्या किया, फ्रेश और 5100 लॉन्ग पोजीशन बनाया फ्यूचर में, गजब की इनकी पोजीशन हो गई है 89 से 94,000, थोड़ा सा शॉर्ट बनाया है लेकिन लॉन्ग इनका ज्यादा है 5169, दैट मीन्स उन्होंने लॉन्ग पोजिशन करके गए हैं दोस्तों। अब 5169 में से इन्होंने कुछ पोजिशन 564 शॉर्ट भी किया है, तो नेट बेसिस पे 4600 कॉन्टेक्ट लॉन्ग हुआ उनका। अब ये 4600 में से आप देखें कि 5100 जो है वो लॉन्ग किए हैं, 5119 कॉन्टेक्ट इन्होंने लॉन्ग किया निफ्टी में, निफ्टी में 5100 लॉन्ग पोजीशन इन्होंने बनाया, जबकि बैंक निफ्टी में उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग क्लोज किया, थोड़ा सा। आप देखें कल इनकी बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन थी, तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो लॉन्ग क्लोज किया, बुलिश है जबरदस्त निफ्टी में दोस्तों। ओवरऑल इनके पास 94,000 हो गए लॉन्ग। प्रो ने क्या किया, थोड़ा सा लॉन्ग थोड़ा सा शॉर्ट भी क्लोज किया, नेट बेसिस पे इनके 21,000 एज यूजुअल रहे, इन्होंने यानी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई फ्यूचर में। डीआईआई थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए, इन्होंने भी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस का। एफआईआई पे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 8,16,000 शॉर्ट किए कॉल में, इनकी पोजीशन नेट बेस पे 2,33,000 जो है कॉल की बाइंग करके गए, यानी उनकी कहिए कि बाइंग पोजीशन फ्रेश बनी हुई। तो यहाँ 3 लाख जो 27,000 पोजीशन था सिर्फ 93,000 लग गए हैं कॉल की राइटिंग में अभी भी, यानी कॉल की राइटिंग में ही है लेकिन कल के लिए इनका पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पे 2,33,000 बनाया गया है बाइंग में फ्रेश, ये देख सकते हैं पोजीशन। तो ओवरऑल इनकी पुट की अब देखते हैं, पुट में इन्होंने 4,42,000 पुट की बाइंग की, 3,94,000 पुट की राइटिंग भी की, तो नेट बेसिस पे 47,000 फुट की बाइंग भी की, यानी यहाँ 56,000 से 1,04,000 फुट की बाइंग हुई। तो अभी भी दोस्तों ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है हमारे, यानी बियरिश इसलिए है कि ये पोजीशन बना तो है लेकिन यहाँ पे इनकी पोजीशन पहले से पड़ी हुई थी क्लाइंट्स की, उन्होंने यहाँ पे क्लोज किया। अब डाटा को समझिए, तो 93,000 अभी भी इनका पोजीशन यहाँ पे है और ये यहाँ पे 1 लाख इन्होंने फुट की बाइंग कर लिया, तो यहाँ फुट की बाइंग और कॉल की राइटिंग देखें तो ये बुलिश नहीं बियरिश पोजीशन हो जाता है। अब यहाँ पे एफआईआई ने बाइंग बिल्कुल कुछ नहीं की, थोड़ा सा कॉल में यहाँ पे राइटिंग प्लो की, तो इनका जो आपको 3 लाख का था कॉल की बाइंग वो 2,19,000 हो गया, यानी यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने पोजीशन क्लोज की, थोड़ा सा पोजीशन उन्होंने क्लोज की कॉल की जो है वो बाइंग की पोजीशन। इसके बाद हमारे पुट साइड उन्होंने क्या किया, 2,52,000 से 30,000 लगभग पुट की बाइंग क्लोज कर दी और थोड़ी सी यहाँ पर 19,000 उन्होंने पुट की राइटिंग कर दी, तो नेट बेसिस पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए 2,02,000। आप देखें कि दोनों साइड इनकी पोजीशन क्या है, इक्वल है, यानी यहाँ कल के लिए बिल्कुल न्यूट्रल है, मार्केट दोनों तरफ में कहीं भी जाए तो इनको आपको पोजिशन बुक करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रो के साथ, तो प्रो ने क्या किया कि 1,53,000 कॉल की बाइंग की, 3 लाख कॉल की राइटिंग कर दी दोस्तों। तो इनके पास कल जो था आप देखें कि लगभग 25,000 कॉल की बाइंग की पोजीशन पड़ी हुई थी, आज उन्होंने पूरे पूरे क्लोज करके 1,26,000 कॉल की फ्रेश राइटिंग कर दी। 1,51,000 से आप अगर 25,000 माइनस करते हैं तो 1,26,000 कॉल की राइटिंग हो गया। इसके बाद उन्होंने 44,000 पुट की बाइंग की, 52,000 पुट की राइटिंग कर दी, नेट बेसिस पे आएंगे न्यूट्रल पोजिशन कहिए तो अभी भी 3,34,000 इनके पास वो पुट की राइटिंग बची हुई है, यानी इन्होंने पुट की बिल्कुल पोजिशन आज मार्केट नीचे आया फिर भी क्लोज नहीं किया, इन्होंने कॉल की आज राइटिंग की क्योंकि इनके पास कॉल की कोई राइटिंग नहीं था।
तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे हमारे जो प्रोप हैं HNI जिसको कहते हैं प्रोप, ये भी अभी भी बुलिश हैं, इनके पास बुलिश पोजीशन पड़ा है। FII हमारे फ्यूचर में जबरदस्त बुलिश हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारे क्लाइंट्स हैं वो जो कहें बेयरिश हैं, यानी डेटा यहाँ में सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट कल ऊपर रहेगा। अब इसको हम ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कहाँ पे पोजीशन बना है। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है दोस्तों, 19398 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। आप यहाँ 19300-19400 के पास देखें तो यहाँ जबरदस्त ये पुट की राइटिंग हुई है ये वाली। आप देखें कि 67-87 ये आपको 48 पोजीशन हुआ है, जबकि कहीं पे भी 400 के आसपास यहाँ कॉल साइड राइटिंग नहीं दिखाई दे रहा, ये पोजीशन पूरे क्लोज हैं। तो बड़े प्लेयर का चाल होता है, छोटे लॉस करते हैं वो बड़े प्रॉफिट के लिए। 19500 के पास देखिए पोजीशन बना है, 19550 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा तीनों ऊपर है दोस्तों। देखिए फर्स्ट 19500, दूसरा 19550, तीसरा 19600। तो मार्केट एक बार 19500 कल तो टच करेगा, इवन 19550 के ऊपर भी जा सकता है दोस्तों। बिल्कुल यहां डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है। PCR यहां पे थोड़ा न्यूट्रल किया गया आज, मार्जिन जबरदस्त ये आपको जो है वो पुट में लिए हैं जबरदस्त, यहां पे देखें 3.4 ये सब सारे मार्जिन। तो आप इस के चक्कर में मत रहिए कि मार्केट नीचे आया है तो यहां से अब जो है सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। डेटा सजेस्ट कर रहा है मार्केट में बुलिश ही रहेगा। अब यहां पे अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा बेरिश था, यहां पे देखें कि कॉल राइटर थोड़ा ज्यादा एक्टिव थे और ड्यू टू बैंक निफ्टी हमारा निफ्टी नीचे आया, लेकिन कल निफ्टी बैंक निफ्टी को लपेट देगा दोस्तों, आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा। 42,000-45,200 के पास जो पोजिशन है, थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन ये क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे कॉल की राइटिंग थोड़ी हुई है। तो यहाँ आप देखिए PCR बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है दोस्तों, इसका PCR 1.62, कल 1.48 था, 1.45 ये न्यूट्रल हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉल में मार्जिन लिया जा रहा है, तो एक बार हो सकता है कि थोड़ी बैंक निफ्टी कल रेड में दिखा के और वहाँ पे ऊपर आ जाए, क्योंकि इसके शॉर्ट कवरिंग पॉइंट थोड़ा काम नहीं करता है। जो डेनिम डाटा है आप देखें बहुत ऊपर 46,500 पे दिखा रहा है, लेकिन मार्केट का शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऊपर ही है दोस्तों, जबरदस्त यहाँ पे थोड़ा सा पुट साइड पोजीशन क्लोज हुआ है, कॉल साइड यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन बनाई गई है, तो यहाँ दोनों साइड लगभग इक्वल पोजीशन हो गया है। यानी बैंक निफ्टी का डेटा हमें स्लाइटली बेयरिश कर रहा है, लेकिन बाकी डेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब अगर बात करें यहाँ पे थोड़े से प्राइस एक्शन के, तो देखें हमें निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 19,386 का सपोर्ट मिल रहा है, 19,380 का, तो 19,380 एक बार सपोर्ट मानिए, इसके ऊपर टारगेट हमारा 19,450 का और 19,500 का 550 का होगा दोस्तों, शॉर्ट 19,350 के नीचे हुई है। बैंक निफ्टी आज बिल्कुल रेंज में रहा, तो एक बार जब तक 19,200 के लेवल को 220 को निकले तभी आप, माफ करिएगा दोस्तों ये 45,220 के ऊपर निकले तभी भी आप फ्रेश लॉन्ग होइए। शॉर्ट हुई हमारा आपको 45,100 के नीचे, 45,100 के नीचे हमारा टारगेट आपको 45,000 का हो जाएगा, ऊपर में टारगेट हमारा फिर 45,500-45,600 का होगा दोस्तों। तो अगर फिन निफ्टी की भी बात करें, फिन निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश इंडिकेट कर रहा है, देखें कि क्योंकि वीवैप के नीचे था, कल भी फिन निफ्टी बेरिश था। तो आई होप कि आपको प्राइस एक्शन और डेटा समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉलो करिए, बाकी सब कुछ यहाँ पे सब बताया जाता है। देखिए बैंक निफ्टी गेटिंग बेरी स्लाइटली, हमने यहाँ पे सब कुछ मैसेज किया था दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय से लिए हॉल क्वेश्चन क्रिएट न कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए।